सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिकेट सुपर फैंस, मैं हूं रफी। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत दौरे पर आ चुकी है। अब सबकी नजरें हैं भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 2023 के इस सीरीज पर। लेकिन सीरीज शुरू होने से पहले ही दोनों ही टीमों को लगा है काफी तगड़ा झटका, जहां दोनों ही टीमों से एक एक सबसे खतरनाक खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया की भारत दौरे पर सबसे पहले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 4 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे, 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। और यह टेस्ट सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी अहम होने वाला है, क्योंकि यह टेस्ट सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उसके बाद आखिर में 3 ODI मैचों की सीरीज खेली जाएगी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच, जहां भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की शुरुआत हो जाएगी 9 फरवरी 2023 से, जहां 9 फरवरी 2023 से पहला टेस्ट मुकाबला इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू हो जाएगा नागपुर में। लेकिन अब पहले टेस्ट मुकाबले से बाहर हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क, जहां मिचेल स्टार्क के बाहर होने से ऑस्ट्रेलिया की टीम को लगा है काफी तगड़ा झटका, जहां मिचेल स्टार्क को ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट टीम स्क्वाड में शामिल किया गया था इस टेस्ट सीरीज के लिए, लेकिन पहला टेस्ट मुकाबला अपने फिंगर इंजरी की वजह से नहीं खेल पाएंगे, जहां ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने कंफर्म कर दिया है। अब मिचेल स्टार्क क्यों है सबसे बड़े खिलाड़ी जो बाहर हो गए पहले टेस्ट मुकाबले से, तो आपको दिखाते हैं इनके स्टेट्स। तो मिचेल स्टार्क अब तक अपने कैरियर में 75 टेस्ट मुकाबले खेल चुके हैं और इन 75 मैचों में 304 विकेट छटका चुके हैं, जिसमें इन्होंने 2 बार 10 विकेट लिया है तो वहीं 13 बार 5 विकेट लिया है तो वहीं 16 बार 4 विकेट लिया है। तो आप आंकड़े देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मिचेल स्टार्क आखिर क्यों है सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज। तो मिचेल स्टार्क के बाहर होने से कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी पहले के मुकाबले अब काफी कमजोर दिखाई देगी। आपको बता दें कि मिचेल स्टार्क उंगली की चोट से जूझ रहे साउथ अफ्रीका के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में खेलते हुए मिचेल स्टार्क के बाएं हाथ की उंगली पर चोट लगी थी, इस वजह से वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी मैच में भी नहीं खेल पाए थे और अब भारत के खिलाफ पहला टेस्ट मुकाबला नहीं खेल पाएंगे। हालांकि दूसरे टेस्ट मुकाबले से वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे। टीम इंडिया के बारे में, तो टीम इंडिया को भी लगा है काफी तगड़ा झटका, जहां टीम स्क्वाड में पहले सरास अय्यर को शामिल किया गया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के, लेकिन अब सरास अय्यर पहले टेस्ट मुकाबले से बाहर हो चुके हैं इंजरी की वजह से, अभी तक वो 100% फिट नहीं हो पाए हैं। हालांकि सरास अय्यर दूसरे टेस्ट मुकाबले से वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे। अब सरास अय्यर के पहले टेस्ट मुकाबले से बाहर होने पर टीम इंडिया को क्यों काफी तगड़ा झटका लगा है, आपको दिखाते हैं इनके आंकड़े, इनके स्टेट्स। तो अभी तक सरास अय्यर सिर्फ 7 ही टेस्ट मुकाबले भारत के लिए खेले, जिसमें इन्होंने अब तक 624 रन बना लिए हैं और इन 7 मैचों में इन्होंने 5 बार अर्धशतक लगाया है तो वहीं 1 बार शतक जड़ा है। और एवरेज की बात करें तो इनका औसत है 56.73 का, जो काफी शानदार, काफी जबरदस्त है, किसी भी खतरनाक बल्लेबाज से कहीं ज्यादा सरास अय्यर का स्टेट्स और रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं सरास अय्यर के पहले टेस्ट मुकाबले से बाहर होने पर टीम इंडिया की बल्लेबाजी को काफी तगड़ा झटका लगा है। हालांकि टीम में और भी कई शानदार जबरदस्त बल्लेबाज हैं।